परेशान चलने का मतलब सब कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई कह रहा है कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। तो संजोग से आप ही लोग के बीच में एक और शख्स कुछ साल पहले इसी तरह से रोता था, हंसता था कि सर मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो आज संजोग से आ गए मिलने के लिए, भाई बच्चे आते रहते हैं मिलने के लिए, तो इधर हम सोच रहे हैं भाई जो जो बच्चे आए मिलवा बात करते रहिए। तो ये हैं इस ऋषभ वर्मा, कौन है, कभी नाम लिए हैं क्लास में कि नहीं लिए, याद नहीं होगा तुम लोग को। तो ये हैं ऋषभ वर्मा, ये तैयारी करते थे गुरुकुल में आज के 4 साल पहले, इनका लास्ट ईयर है इस समय, लास्ट ईयर है कि चौथा साल है अभी, हाँ फाइनल ईयर है, आजमगढ़ में, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज से हैं। और बहुत ही छोटी जगह से, एक छोटे से गांव, छोटे से शहर, छोटे से कस्बे से आके क्या तैयारी अपनी शुरू किए थे। शुरुआत में जब पहले साल आए तो इन्हीं का एक दोस्त, एक मित्र, एक संदीप था, वह उसी साल सेलेक्ट हो गया। तो ये संदीप को देखकर, जैसे नहीं कहा जाता संगत आप 4 साल 5 साल बाद कहाँ होंगे, ये डिसाइड करता है कि आपकी संगत कैसी है। आप सुने होंगे तो संगत इनकी बड़ी अच्छी थी, जिसमें संदीप इनका बड़ा प्यारा मित्र था। और संदीप को देख के, क्योंकि हमें याद है कि जब पहली बार ये फिजिक्स पेपर दिए थे तो हमको नहीं लगता कि फिजिक्स का कोई किए होंगे क्वेश्चन, एक बेबी बताएंगे सब ये बताएंगे अपने बारे में, फिजिक्स का पी भी नहीं जानते थे। और जब सेलेक्ट हुए तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर लेके गए, ठीक है, मतलब जब आए होंगे अभी सब बताएंगे कि ओमार में क्या भरे थे, हम भरे ही नहीं, फिजिक्स है नहीं भरे, और फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं आता था, बायो भी नहीं आता था, लेकिन लड़ते 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 क्या है सिलेक्शन हो गया। तो कोरोना वाले काल में ही हुआ था ना जी, हाँ उसी में सिलेक्शन हो गया था इनका। लड़ते लड़ते संघर्ष किए, और संदीप, और कई बार हम तो कही भी थे घबराओ मत, जहाँ तुम्हारा मित्र है वहाँ चला जाएगा, नहीं कहते हैं कभी कभी सरस्वती जीवा विराजमान होती है। तो संदीप भी अंबेडकर नगर में था, वहाँ ये भी आज, हाँ आजमगढ़ में था, ये भी जूनियर बन के आजमगढ़ पहुँच गए। तो काफ़ी अच्छा, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी बनाए हैं। और फिजिक्स के बारे में बताओ, मतलब बायो का बंदा किसके बारे में ज्ञान देता है, हाँ जो चीज़ सबसे कमज़ोर थी वही चीज़ क्या हो गई सबसे, हाँ मजबूत हो गई। तो बंदा फिजिक्स के बारे में, ठीक है, ज्ञान दे रहा है। क्यों ज्ञान दे रहा है, क्योंकि फिजिक्स को क्या किया है, सीखा है। तो इस समय काफ़ी लोग परेशान हैं, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर आप बातें करेंगे कि एग्जामिनेशन के प्रेशर से कैसे बचें, क्या चीज़ बचें, तो हमें लगता है कि ऋषभ से ज़्यादा, क्योंकि भाई ऋषभ ने सिद्ध किया है और जो प्रूफ कर दिया है वह जो बताएगा वह हमसे भी अच्छा बताएगा। तो अगर ये बताएंगे तो हो सकता है कि बातें और अच्छी आपको लगेंगी। तो ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, क्लास भी है, 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी है, अपनी बात को, अपने उस चीज़ को, क्योंकि आपने सिद्ध किया है। जैसे कोई ऐसा नहीं बहुत तेज़ बच्चे हैं, बहुत तेज़ बच्चों से हम नहीं मिलवाते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग का एक स्टूडेंट है पुरंजय प्रताप, इस समय तो बहुत है आगे, एम्स दिल्ली में है, तो इंटर करते ही सिलेक्ट हुआ था। तो एक बार उसको मोटिवेट कराएं, क्या पढ़ रहे हो, ये सर एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, हो जाएगा सिलेक्शन। तो क्यों, क्योंकि उसने कभी दुख देखा नहीं तो जानेगा ही नहीं, लेकिन इन्होंने दुख देखा है, ये रोए भी हैं, ये हंसे भी हैं, इन्होंने देखा है। तो जो ये बताएंगे, क्योंकि ये संघर्ष को अपने बताएंगे ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से उस बात को बता सकते हैं। पुरंजय प्रताप को मैंने 2 मिनट के अंदर, ठीक है सर हो गया, हम कह रहे यार कुछ और बताओ उन समों को, तो जो भी पूछता था बच्चे, सर ये क्या करें, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, हो गया। क्यों, क्योंकि उसने दुख देखा नहीं, 12th करते ही सिलेक्शन उसका। आज भी बहुत अच्छी बात, विदेशों में रहता है, ठीक है, कई जगह पे उसके घर हैं, खाली यहीं खजनी का रहने वाला था, और हमने उसको समय से देखा उसके संघर्ष को, लेकिन इतना तेज़ था, एमजी में पढ़ता था, अपनी कोचिंग हम लोग नहीं खोले थे, दूसरी जगह थे, और साइकिल में मडगार्ड तक नहीं था, एक गरीब किसान का लड़का, लेकिन अपने विद्या के बल पे 12th करते ही एम्स दिल्ली 33वां स्थान लाया, 33 स्थान आया पूरे ऑल इंडिया, मतलब एम्स में उस समय। और आज छोटे मोटे जगह में रहता नहीं है, तो कई बार आया, कई बार आता है, तो एक दो बार हम उससे मिलवाएं बच्चों से, तो एक दो बार बाद में आया, कहा सर मिलवाएंगे नहीं आज क्या बच्चों से, हम कह रहे तुम जाओगे बताते क्या हो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हो गया। हम क्यों, क्योंकि संघर्ष तो देखा नहीं उसने। लेकिन जितने संघर्ष वाले होते हैं, जैसे अभी, जैसे मैं कभी कभी विवेक मिश्रा की बात करता हूँ, BHU में अभी बता रहे थे, विवेक मिश्रा कैंप में मिले भी थे, तो विवेक मिश्रा भी काफ़ी संघर्ष किया, एक दिन आया तो भाई मिलवा नहीं पाए, आप लोग चले गए थे उस दिन, नहीं तो मिलवाए होते उससे भी। तो ये संघर्ष को अपने बताएंगे कि क्या किए, और आप लोग भी उस अनुसार तैयारी करें, धैर्य रखें,
सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन, हाँ, जो धैर्य रखता है, जो पेशेंस रखता है, उसका सिलेक्शन होता है, ये निश्चित मान के चलिए। हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, जितनी देर आप हड़बड़ा रहे हैं उतनी देर में आप फिजिक्स का 5-10, केमिस्ट्री का 5-10, एनसीईआरटी का, बायो का 5-10 पेज क्या है आप तैयार कर लेंगे। तो सिलेक्शन होता है, ठीक है, जो रोता है उसका भी सिलेक्शन होता है, जो हंसता है उसका भी सिलेक्शन होता है, बस एक चीज ना जाए, पेशेंस ना जाए, धैर्य ना जाए, ठीक है ना भैया। तो अपने संघर्ष को ऋषभ जी बताइए, क्योंकि आप काफी संघर्ष किए हैं और बहुत अच्छा मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। हाँ, इनका चैनल भी है भैया, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी आप लोग क्या है यहाँ दे दीजिए, कैसे क्या करना है। हाँ, 5-10 मिनट अपना बताइए। हाँ, इसको भी लगा लीजिए, बातचीत कर लीजिए। अब हम लोग, ठीक है ना भैया, चल रहे हैं आप लोग अपने पेशेंट, जो जैसे तुम हमसे जो पूछ रही थी, जरा इनसे पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे, ठीक है। हाँ, ओपी सर आप रहिए अपना, देखिए। हेलो, नहीं कर रहा है क्या? जी, ऐसे ही ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ वर्मा आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा हूँ, अब मेरा फाइनल ईयर है। और जैसे कि सर ने बताया, कहाँ है, मैं यहाँ पे 2018 से तैयारी कर रहा था, मैंने 3 साल प्रिपरेशन किया है और 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले कि ये जैसे क्या होता है कि गांव शहर में क्या अंतर होता है, कि शहर में क्या होता है, बच्चों को पहले से पता रहता है कि क्या पढ़ना है, नीट क्या होता है, नीट का पेपर कैसा आता है। बच्चे फाउंडेशन करते हैं 11-12 से ही, कोटा चले जाते हैं या किसी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन गाँव का सीन ये होता है कि वहाँ तो एक तो स्कूल या कोचिंग तो कुछ होता है नहीं, तो हम लोग को पता, मुझको तो पता भी नहीं था कि नीट क्या होता है, NTA क्या, ये पेपर क्या होता है, कितने नंबर के फुल मार्क्स होते हैं, क्या है, कुछ सीन मुझे नहीं पता था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 11th में, तो मैं जब 11th में एडमिशन करवाया वहीं पे गांव पे ही, तो उसी टाइम मुझे एक बीमारी हो गई थी, जिसे बोन टीबी बोलते हैं, राइट थंब में हो गया था मेरे। तो 6 महीने साल भर तक डायग्नोसिस नहीं हो पा रही थी कि हुआ क्या है। तो गोरखपुर दिखाया, लखनऊ भी SGPGI में दिखाया और भी बहुत जगह दिखाया, तो डायग्नोसिस नहीं बन पा रही थी। और जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेगी तब तक ठीक नहीं होगा। तो करते करते मेरा 11th खत्म हुआ, कुछ नहीं पढ़ पाया मैं। उसके बाद 12th भी आधा चला गया, तब जाके GSBM कानपुर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे डायग्नोसिस बनी और मेरा दवाई स्टार्ट हुआ। करीब 1.5 साल इसका दवा चलता है। तो पापा ये कहने लगे कि अभी रहने दो, अब क्या, 1 साल छोड़ दो, अगले साल से पढ़ना। क्योंकि उस टाइम पे जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो 2 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया गया था, ताकि ये थंब का मूवमेंट ना हो। तो अब एग्जाम भी आने वाला था, 12th के बोर्ड आने वाले थे। अब मैं ना 11th पढ़ा हूँ ना 12th पढ़ा हूँ, मेरे पास थे मुश्किल से 3 महीना थे, मुश्किल से 2-3 महीना उस टाइम पे थे। तो ये हुआ कि अब मेरे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी 1 साल छोड़ूंगा तो बाकी दोस्त आगे निकल जाएंगे, तो मैं पीछे हो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे तैयारी करनी थी नीट की, घर पे तो पता नहीं था कि हम क्या करेंगे 12th के बाद। वैसे भी तो पापा बोले 1 साल बाद देना, हम बोले नहीं इसी साल करेंगे। तो उसके बाद 12th जैसे तैसे करके घर पे रह के 12th किया, 11th पूरा किया। और मतलब NCERT का भी देखे ही नहीं थे, दोस्तों से नोट्स का फोटोकॉपी करा के पढ़ के कैसे जैसे तैसे करके 12th पास हो गया मैं। उसके बाद ये हुआ कि घर पे कि पापा बोले क्या करना चाहते हो, BSc कर लो। तो हम बोले नहीं, हमको ये नहीं पता कि नीट होता है, हम मुझे इतना पता कि MBBS का कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो मैंने बोला कि हम इसका तैयारी करेंगे MBBS का एंट्रेंस की। तो पापा बोले ठीक है। तो उसी अगले दिन हम आ गए यहाँ गोरखपुर एडमिशन कराने, गुरुकुल में। तो आए, फिर एडमिशन कराया मैंने, तो मेरा G2 बैच ही था शायद, वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग वहाँ चलती थी। तो संजोग से उस टाइम जब मेरा पहला साल था तैयारी का, तो मुझे तो आता कुछ था नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि NCERT पढ़ना होता है, मतलब NCERT मैंने देखा तक नहीं था, बस दोस्तों के नोट्स फोटोकॉपी करा के पढ़ के मैं पास हुआ था 11-12। तो यहाँ पे आया तो ये हुआ कि मेरे साथ संजोग से मेरा एक दोस्त बैठता था, जो कि उस क्लास का टॉपर था, जैसे सर ने बताया संदीप सिंह, वो मेरा सीनियर है आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में ही। तो वो था और 2-3 और लड़के थे साथ ही में, तो वही बस सिलेक्ट हुआ मेरे पूरे क्लास में, वही बस सिलेक्ट हुआ था G2 बैच से। तो ये था मेरा शुरू में, जब मैंने पहला टेस्ट दिया यहाँ का, तो मेरे फिजिक्स में आई थिंक 13-14 के मार्क्स अराउंड थे, 13-14। 2-3 बार मैंने टेस्ट दिया तो 13-14, एक बार नेगेटिव मार्किंग में भी मार्क्स आया था, -6 के अराउंड था, इतना कमजोर था मुझे, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, नथिंग। और यहाँ तक कि जैसे ये होता है ना कि किसी का बायो स्ट्रांग है या केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो ये होता है कि मैं फिजिक्स कर ले जाऊंगा तो मेरा 3 हो जाएगा, या फिर अक्सर लोगों का बायो तो स्ट्रांग होता है, सब लोग कहते हैं मुझे बायो आता है, चलो ठीक है, मुझे बायो भी नहीं आता था।
होता कि बायो केमिस्ट्री आता है तो मैं फिजिक्स कर ले जाऊंगा तो लास्ट में तीनों हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं, तीनों एकदम खराब। तो क्या हुआ फिर करते करते, फिर मेरे टोटल 720 में से यहाँ टेस्ट में 100 नंबर के आसपास आते थे, जो नीचे वाली लिस्ट होती है पीडीएफ की जो रिजल्ट आती है उसमें मेरा नाम रहता था। तो बहुत डिप्रेशन भी होता था कि क्यों नहीं हो पा रहा है, एक तो गांव से यहाँ आए थे शुरू शुरू में, कुछ पता था नहीं। फिर करते करते सर एसआर सर थे, इनसे अच्छा तो मोटिवेट कोई करने वाला है नहीं पूरी दुनिया में, मुझे तो यही लगता है। तो सर मोटिवेट करते थे, बताते थे, तो फिर साथ में दोस्त भी था, वही बताता था कैसे पढ़ना है। तो लगा कि हाँ ये एनसीईआरटी पढ़ना है, तो बायो हम सिर्फ बायो करते थे एनसीईआरटी, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो सर का नोट्स यहाँ का पढ़ते थे, बाकी कुछ नहीं पढ़ते थे। तो बायो पढ़ते तो थे लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाते थे। तो बायो में नंबर मेरा 100 प्लस इंक्रीज हुआ कि बायो में मेरा 120-130 नंबर आने लगा। केमिस्ट्री भी नहीं आता था मुझे, केमिस्ट्री में 20-30-40 नंबर के राउंड रहता था, फिजिक्स तो एकदम खराब था, और बायो में मेरा 100 प्लस आने लगा, मतलब टोटल अप्रॉक्स 200-250 मेरे मार्क्स आने लगे। फिर करते करते नीट आ गया, नीट एग्जाम आ गया 2018 में मैंने तैयारी शुरू की थी। तो 2018 नीट आया, तो नीट में मैंने नीट के लास्ट टाइम पे एक महीने पहले मैंने बहुत जी जान लगाई कि कैसे भी करके करना है, कुछ अच्छा नंबर लाना था कि अगले साल तैयारी कर सकूं, नहीं तो घर वाले यही सोचेंगे कि गया घूम घाम के आ गया गोरखपुर से, है ना, पैसा खर्चा करके। तो ये हुआ, तो लास्ट महीने मैंने बहुत मेहनत की, इतना मेहनत करने के बाद लास्ट महीने मैंने बहुत मेहनत किया था, मतलब हर बार, लेकिन कुछ पढ़े तो थे नहीं साल भर, तो मेहनत करने का कोई मतलब ही तो नहीं है। तो मेरे नीट में 307 नंबर आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, इतना मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत किया था मैंने बाय के वो एनसीईआरटी के, मतलब ये नहीं पता था कि क्या क्या पढ़ना है, बस इतना पता था बायो में एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी यहाँ तो एसआर सर का नोट्स है फिजिक्स का, बाकी और भी बायो के नोट्स तो सर बीके सर पढ़ाते थे, वो पीवाई सर हैं, उनके जैसा ट्रिक कौन बता पाएगा भाई सर के जैसा, एनिमल किंगडम और भी कई सारा था, वो याद हो जाता था, ये तो है, ये फैक्ट है। तो उसके बाद 307 नंबर आया, फिर उसी साल मेरा दोस्त जो था वो सिलेक्ट हो गया संदीप सिंह, उसको कॉलेज मिल गया 537 नंबर पे, उस टाइम कॉलेज मिल जाता था 530 कट ऑफ गया था, तो उसको कॉलेज मिल गया। तो ये हुआ कि अब पूरे बैच में से वही सिलेक्ट था, तो मैं और एक मेरा दोस्त है मिथिलेश नाम है, तो हम दोनों आए सर से मिलने, एसकेआर सर से मिलने ऑफिस में। तो फिर सर से बात हुई, सर क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कैसे भी करना लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा है, 307 नंबर आया सर से, मैंने झूठ में 347 नंबर बोला था सर, सर को अभी भी नहीं पता है, ताकि सर को ये ना लगे बहुत कम नंबर लाया है सच में। हम बोले सर मुझे कितना नंबर लाए थे पिछले साल, मतलब नीट में कितना नंबर आया, तो हम बोले सर 347। अब उस समय क्या बोल दें, मुझसे क्या निकल जाए, ये था कि ज्यादा नंबर बोलेंगे ताकि सर को लगे थोड़ा बहुत ये कर लेगा, नहीं तो कम नंबर बोलेंगे सर भी सोचेंगे ये नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगा था लेकिन ऐसा नहीं है। तो 347 मैंने बताया सर को, एसआर सर को, सर बोले ठीक है हो जाएगा, एनसीईआरटी करो ये करो, सर बोले कि हम कुछ बुक दे देंगे तुमको, बुक ले लेना ऑफिस से और तुम करना। तो उसके बाद दो बोले कि सर एडमिशन करा लो आके और जो भी है तुम यहाँ पे करो। तो फीस भी उस टाइम पे आप कहाँ, उतना कंडीशन भी उतना सही नहीं रहता था, गांव से लोग आते हैं यहाँ तो फीस का भी काफ़ी कुछ हो जाता है, मैनेज हो जाता है, नहीं भी रहता सर खुद पढ़ाते हैं फीस भी नहीं लेते हैं। तो उस टाइम पे तो कोचिंग स्टार्ट, मैं दूसरा साल मेरा तैयार स्टार्ट ही हुई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिजिक्स मेरा जीरो था, केमिस्ट्री भी जीरो, बायो भी लगभग जीरो, क्योंकि बायो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया था लास्ट टाइम पे, बायो एनसीईआरटी पढ़ा था मैंने। तो मैंने क्या किया, सर बोले थे कि फिजिक्स पे मतलब तुम ज़्यादा फोकस करो एक तरह से ज़्यादा टाइम, तो मैंने क्या किया, जब अभी कोचिंग स्टार्ट हुआ था, कोचिंग स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा स्पीड बहुत स्लो रहता है सर, यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन और जो भी स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं तो काफ़ी स्लो चलता है, मतलब 2-3 महीने तक काफ़ी स्लो चलती है। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैंने जो फिजिक्स पिछले साल मैंने पढ़ा था सर का जो भी नोट्स था, तो वो कर करके मैं पीवाईक्यू करते लगातार कर देता था, ये था कि कैसे भी फिजिक्स अच्छा करना, मुझे बायोकेमिस्ट्री मतलब ही नहीं था उस टाइम पे, ये था कि मेरा फिजिक्स अगर अच्छा हो जाएगा तो मैं नीट कर ले जाऊंगा, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। तो मैं फिजिक्स के लिए जी जान लगाया, मतलब दिन में अगर मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूँ तो 15 घंटा फिजिक्स, ये था मेरा सीन, मतलब शुरुआत के 3 महीने में, क्योंकि फिजिक्स कैसे भी इंप्रूव करना था, क्योंकि फिजिक्स में अगर 100 नंबर से ऊपर नहीं आ रहा टेस्ट में तो फिर ये रहता कि कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम कर ले जाएं, क्योंकि फिजिक्स लेकिन एक बार किसी का मान लो किसी का 150 नंबर आ जाता है 100 नंबर आ जाता है, लगता है कि हाँ फिजिक्स हो गया तो बायोकेमिस्ट्री तो कभी भी कर ले जाएंगे, ये होता है थोड़ा बहुत। तो मैंने शुरुआत तो पहला टेस्ट दिया कोचिंग का, पहला टेस्ट में शायद यूनिट मेजरमेंट कुछ बेसिक मैथ वाला जो होता है वो आया था और यूनिट मेजरमेंट का कुछ टॉपिक आया था। तो दिया तो मेरे उस टाइम तो इजी भी होता है क्वेश्चन वगैरह उसका टॉपिक का, तो मैंने 100+130 स्कोर किया फिजिक्स में, बायो में मतलब टोटल मिला जुला के 450 के नंबर आसपास थे, लेकिन फिजिक्स में 130 था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार 130 लाया मैंने, क्योंकि 12-13 नंबर मेरे आते थे। तो उसके बाद ये 130 आया, फिर उसके बाद एक और टेस्ट दिया, फिर फिजिक्स में 120 के अराउंड आया, फिर टेस्ट दिया 110 के अराउंड आया, 3 बार लगातार 100 प्लस आया फिजिक्स में।
लेकिन बायोकेमिस्ट्री अभी नहीं सही हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री उतना ध्यान नहीं दे रहा था अभी, लेकिन करना तो वो भी जरूरी है क्योंकि सभी हो सब करेंगे तभी होगा, 720 में से 610 नंबर से ऊपर लाना इतना आसान है नहीं। तो उसके बाद से जब ये फिजिक्स सही होने लगा तो बायो तो मैं टेस्ट के दौरान करते रहता था, केमिस्ट्री भी करते रहता था, तो उस टाइम पे क्या हुआ तो बायो केमिस्ट्री डाउन हो गया मेरा एकदम, अब फिजिक्स इधर ग्रोथ होने लगा। तब ये था ये संभालना है, तो ये संभालने के चक्कर में जब ये बायो केमिस्ट्री करने लगे फिजिक्स डाउन होने लगा, और यहाँ कोचिंग में पीक भी बढ़ गया कि सर स्पीड बढ़ा देते हैं लास्ट टाइम पे दिसंबर से लगभग, तब इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, लिंक करते करते मैनेज नहीं हो पाता, तो 400 450 या 490 इसी के अराउंड मेरे मार्क्स आते थे, लेकिन फिजिक्स में मैं 150 नंबर लाने लगा, इतना हो गया था दूसरे साल ही। अब दूसरे साल जब जिसका फिजिक्स में 150 नंबर ला रहा है तो वो तो भाई सिलेक्शन तो ले ही सकता है, इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो दूसरे साल मैंने बहुत मेहनत किया था, मतलब बहुत जी जान लगाया था, बहुत हद पार जितना हो सकता है, एक लिमिट होती है ना मेहनत करने की, उससे भी ज्यादा मैंने की। लेकिन क्या बताएं, लास्ट टाइम पे एक होता है ना समअप नहीं हो पाता है चीजों का, रिविजन नहीं हो पाता है, क्योंकि तीनों जब स्ट्रांग होता है तभी सिलेक्शन होता है, बस फिजिक्स कर लेने से सिलेक्शन नहीं हुआ, जब तक बायो आपका स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, फिजिक्स स्ट्रांग नहीं, तीनों होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। तो बायो करते करते बायो मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, 240-250 के अराउंड रहते थे, कितना भी कर लेता था बायो, यहाँ तक कि मैं बताता हूँ, यहाँ मैं पासी में रहता था 2-3 किलोमीटर है, यहाँ साइकिल्स में आता था तैयारी करने, तो बायो में नंबर नहीं बढ़ते थे, तो मैं ये सोचता था कि बायो में कैसे कर, चाहे यहाँ हो चाहे कोई भी कोचिंग हो, टेस्ट में जो 10-20 क्वेश्चन होते हैं वो इधर उधर के थोड़ा बहुत रहते हैं। अब मान लो किसी का कोई कह रहा है कि सर हम तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन मेरा तभी मार्क्स नहीं आ रहा, क्वेश्चन भी लगा रहे हैं तभी एनसीईआरटी वाला सही हो जाता है, बाहरी गलत हो जाता है, तो उससे परेशान नहीं होना है, वो उतना चलता है, नीट में 50 नंबर प्लस ही रहता है सबका, जितने भी यहाँ टेस्ट में आ रहे हैं मार्क्स 50 नंबर प्लस में, वो भी अच्छा करना अगर है, जैसे मेरे अंदर ये था कि मुझे रैंक लाना है, तो जो बाहरी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मुझे करना पड़ेगा सही, बस एनसीईआरटी पढ़ के कर नहीं सकते हैं। तो क्या करते थे, जो जितने बाहरी क्वेश्चन थे जैसे एमटीजी फिंगर टेस्ट लगा रहे हैं उसे कोई बाहरी क्वेश्चन है, क्या होता है संजोग से वही एक क्वेश्चन नीट में आ जाए, ये भी तो हो सकता है, लेकिन उसमें ज्यादा फोकस करना नहीं है। मैं एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन बता रहा हूँ, जब आपका सब तैयार है, अगर आपको बहुत अच्छा करना है, हद पार अच्छा करना है कि आपका एनसीईआरटी पूरा तैयार है, हर क्वेश्चन सही हो जा रहा है, तब आप अगर बाहरी भी पढ़ना चाहते हैं, बाहरी भी देखना चाहते हैं, तो जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं एमटीजी से या कहीं से जो आपको लगे बाहरी या पीआईक्यू में आ चुका है पहले के, जैसे 2000 पहले बहुत बाहरी बहुत वास्ट था ना बायो, तो पहले तो आप उसको आंसर ही जो जहां से कर रहे हैं बुकलेट्स कर रहे हैं तो उसको पेंसिल से टिक कर लिए, और कोचिंग में टेस्ट जाने से पहले, टेस्ट देने जाने से पहले जो जो टिक किए हैं ना उसको एक बार देख लीजिए, टेस्ट में आया मार दो सही हो गया है ना, तो इससे ऐसे नंबर 40-50 नंबर बढ़ जाते थे। मैं ये भी कर, मतलब मेरा यह था कि कुछ भी करके पूरे कोचिंग में मुझे सबसे अच्छा करना है, फिर करते करते बहुत अच्छा किया, हर कोचिंग टेस्ट में अच्छा आने लगा मार्क्स, तीसरे साल था पता चला कोविड आ गया, बहुत समस्या है। सर बताते हैं एसकेआर सर बहुत मोटिवेट करते हैं, नेचर से लड़ाई बताता है ना सर, नेचर डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, जब आप सिलेक्ट होने वाले रहते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, आपका सब अच्छा जा रहा है, टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे 600 नंबर यहाँ आने लगे, 550 नंबर आने, 620-630 नंबर आने लगे, कोविड आ गया। अब जिसका जो यहाँ घर है वो तो ठीक है, मान लो सर से मिल रहे हैं, कभी कभी सर से मिल लिए जाके पढ़ लिए, होता तो बच्चे करते थे, अब हमको घर वाले रहने नहीं देंगे, वो तो कहेंगे घर पे आओ, कोविड पीक पे था तो भाई हर कोई चाहेगा बच्चा मेरा घर पे रहे। अब घर पे पहुंचे, अभी 4-5 महीना था, अभी कोचिंग में भी कुछ सिलेबस बचा हुआ था, लेकिन ये था मैं पहले पढ़ा था तो मैं कर सकता हूँ सर के नोट से, अब घर पे चले गए, अब ऑफलाइन टेस्ट बंद, सर से मिलना बंद, क्लास का लेक्चर सब बंद हो गया, सर में ऑनलाइन लेक्चर भी बहुत सारे किए थे तो उससे भी थोड़ा हेल्प हुआ था, ये था कि मैं पहले पढ़ा था, लेकिन अब 4-5 महीना था, अब ये था कि इतना अच्छा चल रहा है अब सब फिर खत्म, बहुत दिमाग खराब हुआ, तो घर पे गए, फिर घर पे इतने बहुत सारे घर पे ना चाहते हुए भी डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोविड में यही सब होता था, हल्ला है, कोई न्यूज़ देख रहा है, क्या देख रहा है, अब आदमी उतना नहीं कर पाता जो चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ देखते हैं सब, जैसे हम लोग सब लोग साथ बैठे हैं तो लगता है यार ये भी कर रहे हैं हम भी करेंगे, दूसरे बैच वाले कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, पूरे कोचिंग में टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं, और वहाँ पे सब बिगड़ गया। तो करते करते मैं बहुत मैनेज किया एनसीईआरटी, देखो नीट के लिए सबसे जरूरी क्या है मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव ठीक है जितने हैं, और पूरे पीवाईक्यू ये लगाना ही लगाना है ठीक है। जैसे इस टाइम क्या चल रहा है पीक चल, जैसे उस टाइम मैं इसको इन कर देता हूँ तो एग्जाम हुआ 3-4 महीने बाद कोविड खत्म हुआ, तो उसी 3-4 महीने की वजह से जो मेरा है मार्क्स उतने अच्छा नहीं आ पाया, मैंने यहाँ कोचिंग में मेरा रैंक वन रहता था, मेरे साथ वाले रॉकी जो है बीएचयू में है, एम्स एक अरुण है एम्स गोरखपुर में है, और एक और दोस्त बहुत हर कॉलेज में लगभग दोस्त हैं पौंडेचरी में है, अमन सिंह है ना, लेकिन मेरे 613 नंबर नीट में, तो ये था कि सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी हुआ, घर पे भी सब लोग बहुत खुश थे, हम यहाँ सर से मिलने आए, सब लोग सर भी बहुत खुश थे, सर से बोले भी सर उतना अच्छा नहीं कर पाए,
क्योंकि यार हम बहुत एक लेवल तक मेहनत किए थे, मतलब बहुत मेहनत किए थे हद पार में। हम तो ये सोच रहे थे हम 700 नीचे नंबर लाएंगे नहीं, इतना मेहनत। एनसीईआरटी एकदम चार्ट डाले थे, एक एक लाइन, जो एनसीईआरटी एग्जाम पर जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव सब लगाया था, ताकि ये ना रहे एग्जाम होता है एग्जाम देने के बाद कि मान लो बाई चांस नंबर नहीं आ पाता किसी का, तो ये लगता है कि अरे काश ये कर लिए रहते तो मेरा और अच्छा नंबर आ गया रहता। तो हम ये नहीं चाहते थे कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा छोड़े पूरे एनसीईआरटी से, जितने एनसीईआरटी हैं। केमिस्ट्री का जो था, जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री में होता है ना हर चैप्टर में इंटेक्स क्वेश्चन होता है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी एग्जाम पर होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट थ्योरी वाला भी होता है। हम यहाँ तक कि पूरे पीक पे थे कि एकदम हमको करना है, लेकिन नीट में मेरा 613 नंबर आ गया था, सिलेक्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। लेकिन मेरा कुछ और ये था कि मिनिमम तो KGMU या बढ़िया कॉलेज तो लेना ही है, ये भी बढ़िया कॉलेज है वैसे, जो डिग्री है वो KGMU की मिलेगी, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है KGMU से ही एफिलेटेड है। तो सिलेक्शन हो गया, सर लोग से मिले, सर भी बहुत खुश थे, सर आए लड्डू डू लेके आए, सब सर लोग बांटे क्लास में भी, सर उस बच्चों से मिलवाए उस टाइम पे 2020 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था कोविड के जस्ट बाद, तो सर सब बच्चों को समझा। यही थी मेरी कहानी बस, कैसे मैंने -6 से फिजिक्स में, मैं मेरे नीट में बता दूँ कितने मार्क्स थे मेरे, फिजिक्स में 145 अराउंड था, 145-140 अराउंड था, केमिस्ट्री में मेरे 156 थे, ठीक है, और बायो में मेरे 328-330 के अराउंड मार्क्स थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं आता है, इन टोटल 613 नंबर था, ये फैक्ट है, इतना मुझे याद है, इतने ही मार्क्स थे। फिजिक्स में भी मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है, 145-150 हमको लगता होगा उस टाइम पे, 145 अराउंड था, तो मेरे ये मार्क्स थे। तो देखिए कैसे मैं एक फिजिक्स, जब मैं यहाँ आया था तैयारी करने, मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे मार्क्स थे कितने फिजिक्स में -6, और मैं लाया कितना 150-145 लाया। केमिस्ट्री में 20-30 नंबर थे, 156 नंबर लाया, बायो में कभी 100 पार नहीं होता था, 330-335 नंबर लाया मैं। तो ये करते करते फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, सब लोग बहुत खुश थे, यहाँ पे जो भी हुआ आते न्यूज वाले भी, थोड़ा लोकल न्यूज वाले भी आते हैं तो बताने में मजा आता है कि भाई वैसे ऐसे किए है ना। हाँ बहुत, जब सिलेक्शन हो जाता है ना बहुत, मतलब एक्सट्रीम लेवल की खुशी होती है फिर, भले मुझे उतना मतलब एक्सट्रीम लेवल बहुत बढ़िया कॉलेज तो नहीं मिला, मतलब होता ना आदमी जब मेहनत किया रहता है उस लेवल का, पीक लेवल का, तो ये रहता है कि मैं कम से कम दिल्ली पहुंचूंगा या KGMU जाऊंगा, BHU जाऊंगा, होता है, लेकिन कभी कभी किस्मत ही थोड़ा साथ नहीं दे पाता है ना, दोनों किस्मत और ये जो है मेहनत दोनों रहना चाहिए, तो थोड़ा हो जाता है। तो अब जैसे नीट UG नहीं हो पाया तो नीट PG ऐसे ही होता है, हम लोग का होता है, डॉक्टरों का होता है, जो नीट PG से एक साल फाइनल ईयर है मेरा, तो इसके बाद इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप के जस्ट बाद तुरंत PG का एग्जाम होता है साल में एक बार, जैसे नीट UG होता है। अब यही उम्मीद है कि इसमें नहीं अच्छा कर पाए तो उसमें हम बहुत अच्छा करें और किसी अच्छे कॉलेज से JRC पढ़े, जूनियर रेसिडेंट बने, है ना। बाकी आप लोग प्रे करिए कि मेरा अच्छे जगह हो जाए PG में, है ना। हाँ, और बाकी किसी कोई पूछना तो कोई पूछ सकता है। केमिस्ट्री में देखो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीन चीज़ है, ठीक है। फिजिकल में देखो मैंने क्या लगाना है, फिजिकल में जो NCERT है ना, NCERT के अंदर जो चैप्टर के अंदर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते हैं और जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं उनको लगाओ, PYQ लगाओ, और जो भी सूरी सर का नोट्स है या जो भी नोट्स है, नोट्स से भी थोड़ा तुमको कन्फ्यूजन लगता है, जो भी लगता है, तो तुम NCERT रिफर करो। NCERT जैसे कई लोग सोचते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCERT नहीं पढ़ेंगे, फालतू का दिया, कोई ऐसा नहीं है, हम फिजिकल केमिस्ट्री भी लाइन बाय लाइन पढ़े थे, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री को देखो क्वेश्चन कहाँ से लगाना ये पता होना चाहिए, इंटेक्स टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और NCERT एग्जाम पर भी लगाना जरूरी। केमिस्ट्री में तो NCERT एग्जाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा करना है किसी को तो NCERT एग्जाम पर जरूर लगाए हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, है ना। PYQ लगाना एक बार दो, जैसे PYQ लगाने से पहले कभी भी क्या किया करो, कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो पहले NCERT पूरा पढ़ो, NCERT के सारे क्वेश्चन लगाओ, तब PYQ लगाओ, तब समझ आएगा कि हाँ मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं, है ना। बाकी केमिस्ट्री ऐसे कर सकती हो।